आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम ऐप का क्लियर डाटा या क्लियर स्टोरेज करने से क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ अपने अकाउंट का क्लियर डाटा और क्लियर स्टोरेज करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन किया है एंड यहाँ पर बॉटम में जो भी हमारा यहाँ पर इंस्टाग्राम का अकाउंट रहेगा उसका प्रोफाइल पिक्चर शो करेगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। इस पर यह फ़ोटो वीडियो है एंड फॉलोअर्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो अभी जो है मैं आपको अपने अकाउंट का क्लियर डाटा करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से हम बैक आते हैं एंड अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर टैप एंड होल्ड करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप इन्फो का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जो है यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके मोबाइल में यहाँ पर इंस्टाग्राम पर टैप एंड होल्ड करने पर यह सेटिंग जो है नहीं मिलता है, यहाँ पर यह पेज ओपन नहीं होता है, तो इसके लिए यहाँ से आपको बैक आना है एंड अपने मोबाइल में आपको सेटिंग एप्लीकेशन ओपन करना है। उसके बाद आपके मोबाइल में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन रहेंगे सभी यहाँ पर मिल जाएगा देखने को। यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ढूंढना है और उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज एंड कैचे का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्लियर कैचे करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप क्लियर स्टोरेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यह पॉपअप शो करता है डिलीट ऐप डाटा, दिस ऐप डाटा विल बी परमानेंटली डिलीटेड, दिस इंक्लूडेड फाइल सेटिंग डाटाबेस एंड अदर ऐप डाटा। तो यह जो है पॉपअप शो करता है, यहाँ पर आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमने टेलीग्राम ऐप का, इंस्टाग्राम ऐप का जो है क्लियर स्टोरेज या जो है आप कह सकते हैं क्लियर डाटा मैंने कर लिया है। किसी किसी मोबाइल में क्लियर डाटा के नाम से दिया रहता है। तो अब मैं यहाँ पर फिर से इंस्टाग्राम एप्लीकेशन अपना ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर हमने क्लियर डाटा किया है इसीलिए जो है यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है ओपन होने में, तो हम वाइट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी इंस्टाग्राम का अकाउंट है वह फिर से जो है यूजर नेम पासवर्ड इंटर करके लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम का जो भी यूजर नेम, मोबाइल नंबर या पासवर्ड है आप इंटर करेंगे, उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर जो है नेवर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करेंगे। इंस्टाग्राम का क्लियर कैचे या क्लियर डाटा या क्लियर स्टोरेज करने से सिर्फ आपका जो अकाउंट वह लॉग आउट हो जाता है, यानी कि इंस्टाग्राम ऐप से जो है हट जाता है। फिर से आप लॉगिन करेंगे अपना यूजर नेम, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड इंटर करके तो आपका अकाउंट फिर से लॉगिन हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में यहाँ पर कई अकाउंट लॉगिन है पहले से तो सभी अकाउंट जो है लॉग आउट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है, लॉगिन करना पड़ेगा, उसका यूजर नेम और पासवर्ड जो है आपको याद होना चाहिए, तभी आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन का क्लियर डाटा या क्लियर स्टोरेज करें। इंस्टाग्राम ऐप का क्लियर कैचे या क्लियर डाटा या क्लियर स्टोरेज करने से सिर्फ आपका अकाउंट पहले से जो भी अकाउंट लॉगिन था वह लॉग आउट हो जाता है, जिसे फिर से लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी कुछ भी डिलीट नहीं होता है। इस वीडियो में इतना ही।